नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम हिंदी की क्लास लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं तत्सम एवं तद्भव शब्द और देशज और विदेशज शब्द पढ़ने वाले हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द सीखने से पहले हम थोड़ा हिंदी के बारे में जान लेते हैं। हिंदी में शब्द की परिभाषा, शब्द या हिंदी में शब्द भाषा का जो भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि या शब्द शब्द कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चनों में या पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है शब्द। ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ये होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इन्हें चार प्रकार में बांटा गया है। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत की भाषा में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में बोले जाते हैं या संस्कृत से बने हुए हैं, वे सभी शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे पुष्प, नारी, साधु, विद्वान, विद्वान हो गया, पृथ्वी, पुस्तक, पुस्तक आदि ऐसे शब्द हैं जिसे ये सभी शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। अन्य भाषाओं में जो शब्द संस्कृत के बोले जाते हैं वे भी आप देख लीजिए। जैसे यवन, यवन हो गया, मर्कट, मर्कट हो गया, नीर, नीर ऐसे शब्द हैं, ये सभी संस्कृत से लिए गए हैं। अब आ जाते हैं हम तद्भव शब्दों पर। तद्भव, तद्भव शब्द। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तद्भव शब्द ये प्राकृतिक और अपभ्रंश जो पुरानी भाषा है उससे लिए गए हैं। जो ये भाषा है, जो पाली और प्राकृतिक भाषा है, उनमें से ये शब्द ऐसे कि क्यों के त्यों उतार लिए गए हैं। जैसे हम आजकल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जैसे शब्द है हो गया आग, हाथ। अगर यही आपके तद्भव तत्सम शब्द होता, तत्सम शब्द होता तो आग का हो जाता अग्नि, अग्नि यानी संस्कृत में ले लिया जाता। हाथ का हो जाता हस्त, हस्त। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में बोला जाता है तद्भव शब्द। और तत्सम शब्द जो आपके अधूरे शब्द या संस्कृत के शब्दों से मिलकर बने होते हैं।
और देख लेते हैं तद्भव शब्द बच्चा बच्चा हो गया मोर, मोर कीड़ा, कीड़ा आदि ऐसे शब्द हैं जो ये तद्भव बोले जाते हैं। अब आ जाते हैं देशज। आगे आ जाते हैं देशज। देशज देशज के ना कहते हैं इन शब्दों की जो बोली है ये सामान्य बोलचाल की भाषाओं से बोले जाते हैं। जैसे हमारे देश में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी देश यानी हिंदुस्तान से लिया गया है देशज। और पाकिस्तान में क्या उर्दू बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, ये उस देश की भाषा कहलाती है, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारे भारत में देश में जो बोली जा सामान्य बोलचाल की भाषा जैसे चूड़िया, चिड़िया चिड़िया हो गई, खाट हो गई, खाट जिस पर हम सोते हैं, पलंग, कटोरा, ये सामान्य आपकी बोलचाल में बोले जाते हैं यानी हमारे देश में भारत में बोले जाते हैं, ये देश शब्द कहलाते हैं। पगड़ी, पगड़ी हो गया आपका आपका तेंदुआ, तेंदुआ कबड्डी, कबड्डी ऐसे आदि ऐसे शब्द हैं जो आपकी देशज कहलाते हैं। अब आ जाते हैं हम विदेशज शब्द। ये सभी अभी बताए थे, ये हमारे देशज थे, जैसे भारत में बोले जाने वाले हमारे हमारे देश से हैं, अगर देश से बाहर बोले जाते हैं वे शब्द विदेश शब्द कहलाते हैं। जैसे बाहर से आए हुए शब्द हमारे वे क्या कहलाते हैं, विदेशज। विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं में हिंदी में आए शब्द विदेश शब्द कहलाते हैं, यानी अपने देश से बाहर से आए हुए शब्द सभी विदेश शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी भाषा, फारसी, तुर्की, अरबी फारसी भाषा से, तुर्की, अंग्रेजी, अंग्रेजी में आप देख लीजिए अपने देश में जैसे साइकिल बोली जाती है तो अंग्रेजी शब्द है, यानी साइकिल CYCLE, ये आपका इंग्लिश शब्द हो गया, साइकिल हो गया। और कई सारे ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो सामान्य अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी में ही अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी हमारी जो भारतीय देश की भाषा है सभी भाषाओं से मिलकर बनी हुई है। और पुर्तगाली भाषा से लिए जाने वाले, पुर्तगाली ये विदेशी भाषा है, पुर्तगाली यानी हमारे देश में पहले पुर्तगाली आए थे, उसमें से कुछ भाषाएं ऐसी ली गई हैं जो विदेशी शब्द हैं। साथियों आज वीडियो में हम यही बताना चाहते थे कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज और विदेशज क्या क्या होते हैं। साथियों आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।